देखिए, व्हाट इज सेइंग योर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके नीट में, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिटर ऑफ रेडियस आर। द कूलॉम फोर्स एफ बिटवीन टू ईच। तो ऐसे दो बॉडी हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस की ओर। ऐसे कंडीशन पे वो सर्कुलर एटॉम पे हैं। जब सर्कुलर एटॉम पे हैं तो उसके बीच की जो रेडियस हमारा है, एक तरह से आर्बिटर रेडियस, आर्बिट ऑफ रेडियस आर, तो कूलॉम फोर्स एफ है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा टोटल फोर्स? तो जनरली देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है यहाँ से यह रहता है, ठीक है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ की बॉडी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आ गया जो न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से जो है यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बीच का पार्ट है, राइट, हाइड्रोजन। तो ये क्या क्रिया बोला कि हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिटर, सर्कुलर ऑर्बिटर में है, सर्कुलर ऑर्बिटर में है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस जो बताया जा रहा है वो रेडियस हमारा क्या है, रेडियस आर, ठीक है। जब रेडियस आर है यहाँ पे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये रेडियस आर है तो ऐसे में कह रहा कूलॉम फोर्स कितना होगा। तो कूलॉम के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े, एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। ये तुम पढ़ चुकी हो ऑलरेडी। ये देखिए Q1 Q2 क्या है, E1 और यहाँ पे E2। E1 से E2 से यहाँ पे क्या रहेगा, E1। इसके भी सेम चार्ज हो जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना आपका न्यूक्लियस पॉइंट पे चार्ज हो जाएगा। ये दोनों क्या इक्वल है, ई और ई मिलकर क्या रहेगा, डायरेक्ट E स्क्वायर हो गया, ठीक है, बाई R स्क्वायर। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा, सर्कुलर के बेस पे है, यहाँ पर रेडियस इस तरह से रिवैल्यूएशन ऊपर सर्कुलर ऑर्बिटर पे। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर n। और इस यूनिट वेक्टर n का मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर r है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, R अपॉन मॉड ऑफ R, ठीक है। ये थोड़ा सा r डिफरेंट बना लीजिएगा, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, और ऐसे करके इस आर वी सर में डिफरेंट है, या कैपिटल आर बना सकते हैं, या थोड़ा सा उसको हैवी दिखा दीजिएगा यहाँ पर। जैसे ये देखिए, ये दोनों आर और इस आर में डिफरेंट है, ठीक है। तो यानी क्या, ये मिनिमम डिस्टेंस बता रहा होता है कि भाई ये देख लो, यदि यूनिट वेक्टर हम यहाँ लेते हैं या आर लेते हैं तो यूनिट आर का क्या फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन द मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा क्या करिए, एफ इक्वल टू क्या, एक क्या करा है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिटर रेडियस आर, द कूलॉम ऑफ इतना। तो एक क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर रहा है, यानी निगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी अप्लाइड है, यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई है और यहाँ पे क्या आपके निगेटिव। तो प्रोटॉन हमारा क्या जाएगा, हाइड्रोजन है तो वन प्रोटॉन, प्रोटॉन रहेगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन है अब प्रोटॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन पी पर पॉजिटिव, आज यहाँ पे इधर आ जाएगा क्या जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर के चाहे तो लगा सकते हैं के, यहाँ पर इसके जो है इसे माइनस लगाएंगे, ये माइनस यहाँ पर फिर लगा सकते हैं। तो के ई स्क्वायर बाय, देखिए इसको बाहर निकल कितना जाएगा, ओनली आर, आर आर मिलकर क्या जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा भाई, इंटू मान बस इसमें इंटू हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका कैपिटल, बस ये आपका प्रॉब्लम आंसर। हाँ यहाँ पर ये वाला वेक्टर, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं इस तरह समझे, n इक्वल टू यूनिट वेक्टर, n इक्वल टू वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ r जनरेट करेंगे हम, वेक्टर r अपॉन
मोड ऑफ आर, ये वेक्टर लगाइए ना भाई, ठीक है वो चीज है। तो वेक्टर यहाँ पे मान लीजिए आप लगा देते हैं, चलिए लगा के देते हैं, तो कौन सा इसी को शो करेगा? आप सोच रहे हैं सर्दी तब तो ये भी शो करना चाहिए, क्यों यहाँ पे निगेटिव नहीं इसमें निगेटिव, ठीक है तो हम इसको देखेंगे बस एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको एक बार दो बार समझना चाहिए फिर उसको सॉल्व करना चाहिए, तब अच्छे तरीके सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। नाउ अब यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, स्पीड बढ़ा के ध्यान से बहुत तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप नीट में बैठ रहे होते हो तो क्या आप 44 से 45 के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उसको किस तरह से जल्द जो है आप एक मिनट के अंदर 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर उसको जल्दी आप सॉल्व कर सकें, तभी डेट मीन्स यू फाइंड दैट फिजिक्स। तो फिजिक्स है या आपका बहुत ईजी है, बस दिमाग लगाना है। आप क्या कह रहा है कि टू आयंस ईच कैरिंग चार्ज क्यू, कि टू पॉजिटिव आयंस है जिनका चार्ज क्यू है, ध्यान से समझिएगा, क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ऐसे दो चार्ज हैं, ऐसे दो चार्ज हैं जो सेपरेटेड डी डिस्टेंस पे हैं, और क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है भैया, क्यू चार्ज और क्यू चार्ज ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। इफ डी इज द फोर्स रिपल्सन बिटवीन, यदि इसके बीच में जो फोर्स और रिपल्सिव है रिपल्सन है बिटवीन द आयंस, जो इसके आयंस उसके कौन सा आयंस पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव आयंस, ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग है, तो ऐसे कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिस हो रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाउ मेनी मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कितना मिस हो रहा है, तो आप जनरली समझ सकते हो। इसी में क्या माइंड का यूज करो, क्या इसमें कह रहा है भैया देखो इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग ये समझ गए ना कि कूलम्स लॉ में क्या करेंगे हम लोग जनरली, एफ इक्वल टू क्या के क्यू वन क्यू टू होता था, क्यू वन की जगह भी क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसके लिए अभी क्यू है और इसके लिए अभी क्या है क्यू है, तो डेट मीन्स एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई इतना है आ गया। तो क्या कह रहा है कि द मिसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की कितने इलेक्ट्रॉन बस मिस हैं, तो भैया यू नो वेरी वेल क्यू इक्वल टू एन डी, क्यू इक्वल टू क्या होता है एन डी, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ये चीज़ यहाँ पुट करते हैं, एफ इक्वल टू क्या फाइंड आउट करेंगे के एन स्क्वायर और ई स्क्वायर, क्यों भाई जब यहाँ पुट करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा ना, इस पे स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर होगा, दोनों पे स्क्वायर होता है, मैथमेटिक्स लॉ कंपोनेंट में पढ़े हैं आपको, ए बी के पावर आप यहाँ हैं तो ए के पावर भी हम लगाते हैं और बी के पावर भी क्या लगाते हैं एम लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पे एन का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन दैट ई मिसिंग फ्रॉम द ईच विल बी, कि कितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ आर स्क्वायर राइट बाई के आई, यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा एन स्क्वायर, हम यन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो जब भाई स्क्वायर हटाओ तो क्या जाएगा रूट में एफ आर स्क्वायर के ई स्क्वायर, नाउ मैच कर लीजिए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है यहाँ पे चाहो है जो के है ना के की हम वैल्यू फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, मतलब के की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस तरह से देखिए के नहीं इसमें दिख रहा है, दिख रहा है के नहीं, तो के की वैल्यू कितना होता है, के की वैल्यू होता है 1/4πε0, ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ से, देखिए के डायरेक्ट में लिख दिया हूँ ये के किया, तो क्या जगह यहाँ से भाई 4πε0 ये ऊपर चला गया ना 1/2π/3 एफ आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, अब देखो कौन मैच कर रहा है यहाँ से विच ऑप्शन ये थर्ड 4πε0 था या डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, अब सोच रहे हो सर जी डी यहाँ पे डी है बट मैं डिस्टेंस क्या लिखाऊंगी
आर यहाँ क्या ले सकते हैं, आर बीच पर ले सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे वहाँ पे फार्मूला में हम लोग का इस्तेमाल और सपोज करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल के लिए इस्तेमाल डी दे दिए, स्मॉल डी ले लेंगे, योर ऑप्शन इज द, ठीक है। कितना इजी है, सिंपल सा फार्मूला यूज करना, क्या 1/4π0 क्यू वन की टू अपन आर स्क्वायर। अब क्यू वन की टू वो सेम है, इस पर भी क्यू वन चार्ज क्यू है, इस पर भी क्यू चार्ज है, क्यू टू क्यू चार्ज है, और दोनों पे जो नंबर आप मिसिंग लिखना है तो कितना आ जाएगा, क्यू इक्वल टू एन नहीं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है ना, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, दी एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज, एंड गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड 1/4π0 ये सब दिया हुआ, व्हाट इज आस्किंग, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वी नो एफ इक्वल टू 1/4π0 क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे चार्जेज हैं, तो इसकी चार्जेस वही है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए क्यू वन इक्वल टू की, एंड इसका भी क्या है जी, राइट। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है 1.6 एंगस्ट्रॉम, ओके। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बताओ भाई इसकी फॉर्मूला आप जानते हो, एफ इक्वल टू एम में होता है तो डायरेक्ट इनपुट करता है, तो डायरेक्ट करेंगे यानी क्या हो जाएगा आपका यम के, इसकी वैल्यू कितना होता है 9×10⁻¹, ठीक है। क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन भी ई और क्यू टू भी ई, तो ई स्क्वायर, एंड व्हाट इज ई वैल्यू गिवन किया है 1.6×10⁻¹, अब तो क्यों ई एंड ई तो ई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसका लिख दिए, अपान आर स्क्वायर, आर यही यही है ना हमारा आर, 1.6×10⁻¹ आपका माइनस 10 ऑफ स्क्वायर, 10 वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻¹ हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻¹ मीटर। तो देखिए एंड मास ऑफ गिवन किया हो, यहाँ मास रख दीजिए 9×10⁻¹ अप्रोक्स में दिया है, ठीक है, ये लगभग में देखिए 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बच रहा ना ए इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका आंसर समझे कैंसिल हो जाएगा 1.6, ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻¹ आपका 9, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁸, 38 × 19 = 38 पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता आई एम कितना होगा आपका 20, और ऊपर जाएगा क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे भी इसको डिवाइड कीजिए ये, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे पे डिवाइड आ जाएगा, तो भी 10⁻¹ क्या -31, और ऊपर फिर जाएगा कितना जाएगा ये पॉजिटिव, और ये भी चाहें तो हम नौ इसमें ऐड कर लेंगे सटा ना डायरेक्ट, यदि इसमें प्लस नौ ऐड कर लेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू 10, अब इसको जो है ऐड कीजिए 9×10⁻¹, ठीक है, 1×3×5 × 5×16, अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए 10⁻¹ कितना जाएगा आपका, इसको कैरी कर देगा 10×10⁻², 2×5×3 है कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ योर ऑप्शन ये था, सिंपल सा आपने ये करा था भाई, कूलम्स लॉ में
कूलम्स लॉ में वन बाय फोर पाई स्क्वायर क्यू इनटू टू अपॉन आर स्क्वायर एंड इट्स वे पुट अप कर दिया ना तो जनरली आप यूज कर सकते हैं जी नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सेकंड है थ्री बहुत सिंपली है When air is the repellent by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charge separated by a distance, उस separated किया जाता है, separated किया जा रहा है, या रखा जा रहा है, तो उस पर जो distance कितनी होगी, ठीक है? Separate distance किसके लिए decrease होगा, increase होगा, remain होगा, या फिर constant होगा? तो simple सा आप यहाँ पे क्या करना है, भाई You know very well what when two dielectric for the simple the force निकालने F1 equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square ठीक है पर एक simple सा force हो गया अब यार क्या करा when air the repellent of क्या dielectric medium at constant K तो यहाँ पर इसको मैं ये कौन सा पोस्ट करूँ तो यहाँ पे क्या F2 equal to 1 by 4 pi epsilon 0 k यहाँ पे कांस्टेंट हाँ ठीक है वॉक्यूम के लिए हो जा रहा है ठीक है और यहाँ पे Q1 Q2 upon R square the same right जी आप क्या कि डिवाइडिंग कर दीजिए डिवाइडिंग 1 by 2 ये आपका इक्वेशन भी इस तरह से बन जाते हैं एफ वन अपान एफ देखिए वन बाई फोर फाइव स्क्वायर जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर एंड वन बाई फोर फाइव स्क्वायर जीरो ये क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर तो ये टोटल ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन बाई फोर फाइव स्क्वायर वन बाई फोर फाइव स्क्वायर जीरो कैंसिल तो बचा क्या आपका हाँ एफ वन एफ टू अपान इक्वल टू वन बाई जैसे वन बचा फोर अपन होता ना वन बाई के कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एफ वन इक्वल टू एफ टू अपॉन के ठीक है कांस्टेंट क्या कर रहा है कांस्टेंट एस यहाँ पे के है तो द मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन द मैक्सिमम अट्रैक्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका यफ एफ वन इक्वल टू यफ बाई यही हमारा यहाँ पे क्या है नाउ योर ऑप्शन क्या हो जाएगा ये देखने मिला डिक्रीज द के टाइम क्यों क्योंकि यफ बाई के यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो घटेगा ही ना जैसे यहाँ पे मान लीजिए फोर है एट है टू है कट कीजिए कितना फोर कट कीजिए टू कट कीजिए वन तो क्या डिक्रीज होता जाएगा ना डेट मीन्स जितना फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक पहले से था अब डाइलेक्ट्रिक हो गया तो डाइलेक्ट्रिक पे क्या हो जाता है कांस्टेंट क्यों हो जाता है हाँ जैसे आप हिंदी बोलते हो उसमें परावैद्युतांक तो ये क्या हो जाएगा तो बताइए यहाँ से केस जब डिवाइड करेंगे तो ये फोर टू वन तो घटता रहा घट रहा है तो डेट मीन्स क्या यहाँ हो जाएगा डिक्रीज द के टाइम यही आपको सिंपल सेंसर या फिर ये एग्जाम्पल मान लो तो नया मिले हो गया ताकि केस जब डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा ना डिक्रीज की देखिए ये क्वेश्चन इधर सेम डेट वार हियर ओबेसी इज द नॉट गुड पर्सन सिर्फ बोली ओबेसी ए चार्ज क्यू इज द पैलेस एट ए सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू इज एक्चुअली इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज द इक्वल टू स्मॉल क्यू बोला कि एक इक्वल टू किसके इक्वल होगा तो सिंपल आप दिमाग लगाओ भाई तीन चार्ज रखे गए हैं दिस इज टाइप यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पे हम सपोजिंग ए बी सी
ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे क्यू स्मॉल क्यू क्रियापद का कैपिटल क्यू ऐसे लेते हैं। यहाँ तक की डिस्टेंस पर भी यक्स है और यहाँ तक भी बाबू ये यक्स है, ठीक है। मैं सपोज किया यक्स एक्स से आपका डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक बार यहाँ से लेके चला डिस्टेंस, एक बार टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, तो एक हो जाएगा इक्विलेटरियम। इक्विलेटरियम मीन्स क्या, आई एम सपोजिंग दैट हियर डिस्टेंस एक्स यहाँ से सी तक और यहाँ से यहाँ तक का एक्स, इक्विलेटरियम मतलब समान बराबर, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कूलम्ब से अप्लाई कीजिए, क्या जाएगा 1/4π स्पाइरल 0 q1 q1 और ये इस तरह से कैपिटल क्यू, ये q1 हो जाएगा, q2 हो जाएगा, ठीक है, बाय द फर्स्ट इक्वेशन हो गया सिमिलर। अब यहाँ से टोटल एक चलिए, एक बार यहाँ से एक बार टोटल ये फोन ले लीजिए, इसको एफ टू कर लीजिए 1/4π 0। अब यहाँ देखिए यहाँ से ये हो जाएगा ना, ठीक है, ये टोटल नहीं चल रहा, टोटल यहाँ से नहीं, ये टोटल क्यू क्यू, एक बार यहाँ से आखिर एक बार शुरू से अंत तक, तो q1 q2 बाय, तो डिस्टेंस है कितना भाई, यहाँ तक x था, अब यहाँ से यहाँ तक क्या 2x है ना, तो 2x से डायरेक्टली करंट कितना जाएगा 4x2 कन्फर्म। तो क्या कर रहा है कि एक बार जब इतना लिया गया है, एक बार पूरा ले गया है कि इसको चार्ज इक्वल पे किया गया, क्या इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज लिए, जो तीन चार्ज है तीनों को आप जो है ये दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स को ऐड कीजिए तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा जीरो, दैट मींस f1 प्लस f2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, f1 इक्वल टू कितना जाएगा -f2, ये दोनों नेट फोर्स को टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका ये f1 प्लस f2, इसको इधर भी देते f1 इक्वल टू -f2, f1 इक्वल टू -f2, बताइए व्हाट इज f1, 1/4π स्पाइलर नॉट क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द माइनस, ये वाला माइनस इसका f2 वाला ये हो गया 1/4π स्पाइलर, फिर यहाँ हो जाएगा q q q, और यहाँ हो जाएगा 2x2, हाँ 4x2 हो रहा है ना, 4x2, नाउ दिस कैंसिल, देखिए यहाँ पे x2 2x2 कैंसिल राइट, और यहाँ पे क्या है q कैंसिल राइट, तो रिमाइंडर व्हाट इज q इक्वल टू क्या जाएगा माइनस कैपिटल क्यू बाई कौन सा हो गया आपका, तो सिंपल सा आपको लॉजिकली इसमें ये देखना है कि कह रहा है कि पहले कंडीशन से यहाँ से यहाँ तक का चार्ज है जिसकी डिस्टेंस हमारा x है, अब फिर यहीं से फिर तीसरे चार्ज तक जाते हैं, पहले से दूसरे तक चार्ज, फिर दूसरे से तीसरे तक का चार्ज, टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ तक का x, फिर यहाँ तक का x, टोटल x हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन लेकर हमने जो इक्वेशन लिए क्या सॉल्व किया, सिंपल बस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मन लगाइए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके नाउ अब आते हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी जो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंस क्या है, कैसा आप सपोज कीजिए ऐसे दो पॉइंट है जिस पे चार्ज हमारे अप्लाइड है, जब चार्ज अप्लाइड है तो यहाँ तक की लेंथ इफ आई एम सेइंग दैट एल एंड यहाँ तक की लेंथ इफ आई एम सेइंग दैट एल, दैट मींस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, एल प्लस एल इज द 2l हो गया कन्फर्म। तो ये इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यहाँ पर ये डिवाइडिंग करता है इसके पॉइंट से, यहाँ पे जो हमारा रहता है पॉइंट, कोई भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द डिनोटेड बाय द पी से डिनोट कर लेते हैं,
और जितना इसका लेंथ होता है विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हो जाता है इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी द टोटल लेंथ विद द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यहां पर ऐसे सिंपल लिखना चार्ज एंड टोटल लेंथ या डिस्टेंस, तो p इक्वल टू क्या जाएगा q, हां यहां पे जाएगा 2l, यानी 2l इक्वल टू 2q l। ठीक, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट q का क्या आ जाएगा कूलम, आज क्या कर जाएगा मीटर, यानी कूलम मीटर cmb से इस तरह से मान लेंगे। हु इज द cm ऑफ योर up, योगी बाबा, ठीक है, तो सीएम यानी सेंटीमीटर पर समझिएगा, यानी क्यू से क्या होगा कूलम, कूलम आई मीटर आई टू का तो ये तो नंबर है, ठीक है, डायमेंशन भी इसका लेते तो कितना हो जाएगा 80, हाँ क्यू का आई होता आई टू टी, तो इसका ए इसका टी क्या जाएगा 80, आई इसका क्या जाएगा एल, यानी यम पावर जीरो एल पी ए ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन हो गया राइट टू। तो आप नीट में इस तरह से पूछे जाते हैं कि इसी का इलेक्ट्रिक जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल से एक एक्सियल होता है एक को एक्सियल होता है जिसे इंट आर्ट पोजिशन एंड ब्राड आर्ट पोजिशन भी कहते हैं। कि ऐसे में आप ये सपोज कीजिए, देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल एज द बेसिस ऑफ एक्सियल एंड ब्राड पोजीशन, एक्सियल को ब्रैकेट में लिख दे इंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, इंड ऑन पोजीशन, और एक जो इसी का दूसरा हो गया ब्रॉड ऑन पोजीशन, ये दो तरह से। तो ब्रॉड आर्म पोजीशन एक्सियल आर्म पोजीशन, तो सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रा करते हैं जिसपे चार्ज क्यू यानी क्यू पुटअप करते हैं, ठीक है, यहाँ से इधर कर लेते एल और यहाँ तक हम बढ़ जाए, यहाँ तक का डिस्टेंस ये है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो जाएगा ए प्लस एल होगा राइट, और यही चीज ये भी यहाँ तक लेते जल, ये जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर क्या कर जाएगा माइनस में ए, तो बाकी का कितना हो जाएगा यहाँ पे एल माइनस ए, एल माइनस ए इतना ले सकते हैं, ठीक है, एल प्लस ए या ए प्लस एल इतना, ठीक, ये दो डिस्टेंस हो जाएंगे हमारे लिए शॉर्टकट में उतार। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इक्वल टू 1/4 स्पाइरल 0 q अपॉन क्या था r स्क्वायर, r में क्या है हमने l का स्क्वायर पक्का इधर पर इज द टी नॉट, इसी के सेंस में a q लेते हैं, यहां पर भी क्या है 1/4 स्पाइरल 0 q अपॉन r स्क्वायर माइनस इधर दूसरे सेकंड हो गया ना, हां सेकेंड ये एल ना तो एल माइनस सी, एल माइनस सी, अच्छा इसको ऐसे लिखना आप चाह रहे हैं, ठीक है, हो गया, हम आगे के लिए कोई भी ले सकते हैं। तो इसको दोनों सम ऑफ यानी इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सम ऑफ कीजिए कितना आ जाएगा E इक्वल टू ई वन प्लस ए टू विथ कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट होते हैं तो कंपोनेंट पे कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है जीरो, यानी जीरो लिख लेते हैं, ये भी देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे कितने की डिग्री बन जाएगी 180 से जीरो या जीरो से 180 बनेगी ना, यहां पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा की वैल्यू और जीरो में हम क्या लिखते हैं मान लेते हैं तीसरे स्क्वायर रिमूव कर देंगे। तब यहां क्या करेंगे हम E इक्वल टू E1, व्हाट इज द E1 की वैल्यू यहां पे 1/4 स्क्वायर 0 q, दैट में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, q
क्यू देखिए क्यू और मैं छोटा स्क्वायर है, क्यू और मैं छोटा स्क्वायर है, जीरो कॉमन मैंने लिया, जब मैं कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे वन बाई ए प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे पे जो हमारे ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एक था यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव लगा दीजिए, तो यहाँ दूसरा क्या है, जब ये कॉमन ले रहा था निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है, निगेटिव तो यहाँ पर वन अपान एल माइनस ये का आपका व्हाट विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आपका आएगा वन बाई फोर फाइव स्क्वायर जीरो क्यू, ये आएगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, ए प्लस बी पे होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, फिर एक जो है ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, तो इसको जब कट करिएगा कितना आएगा टू एल, ठीक है, टू एल, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस एल, जैसे दोनों ही साथ होगा ना तो मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ ना इसमें, जैसे दोनों का ए प्लस एल यहाँ पे ए प्लस एल और यहाँ पर एल माइनस ए का होल आर स्क्वायर ऐसे, यहाँ पे ये भी एक टू और आएगा, तो देखिए टू क्यू एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलावा फिर लिख सकते हैं ना, ठीक है, यानी लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ जाएगा टू पी ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी इतना आ जाएगा यहाँ पर ये ए डिस्टेंस है ना आर क्यू ए ए क्यू ए क्यू, यहाँ पे के लिख दिया ना, ये तो के कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट शो करता है, यानी इतना आपका आएगा, इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं, मीन का पोजिशन पे बनता है, ठीक है, यानी एक्सियल पॉइंट पे, यानी इन दैट पोजिशन पे के की वैल्यू क्या वन बाई फोर पाई स्क्वायर जीरो, ठीक है, तो यहाँ देखिए टू पी बाई ए क्यू, यल की वैल्यू लेस देन लेस देन कर देते हैं, लेस देन उधर जीरो, ठीक है, इतना होता है यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, ये वो क्यों बच रहा है नोट केस पे कुछ नहीं सर आप जिससे नहीं मिला सर जो बेस्ट का दिन मिला ना नीट में आपके और भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप क्यू से रिलेटेड इसमें क्या रहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल रहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल ऑब्लिक इलेक्ट्रिक मोमेंट सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल दिस टाइप यहां से इसके कोई एक पॉइंट ले लीजिए इस पे फोर्स आप लगाइए फोर्स लगाइए तो क्या ऐसे ये घूमेगा ना इस तरह से घूमेगा राइट कि यहाँ पे हमने इसका सेंटर लिया यहाँ पे एंगल हमारा थीटा बन रहा है इस थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको घुमाने का काम करते हैं रोटेशन का काम करते हैं तो जब रोटेशन का काम करेंगे यहाँ पर तो क्या ये घूमेगा तो टॉर्क क्यू डेट मीन्स यहाँ पे टॉर्क क्यू टाउ से डिनोट करते हैं ठीक है टाउ तो इसका जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसे डिनोट की जाएगी क्या सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमें ये देखना होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आज जो इसकी डाइपोल है डाइपोल लेंथ एल और लेंथ एल कितना जाएगा टू एल हो जाएगा आज इसके साथ जब ये रोटेशन करेगा तो इसकी जो चार्ज है यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ चार्ज इसकी लगा होगा ना चार्ज तो डेट मीन्स ये जो हमारा टॉर्क क्यू बनेगा वो टॉर्क क्यू क्या कहेगा कि जो पी हमारा टू क्यू एल मतलब ये टू लेंथ आपका क्यू एक साथ हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू
क्या आता है एफ वाई क्यू जीरो, एफ वाई क्यू जीरो विथ द क्रिएटेड एंगल थीटा, विथ द क्रिएटेड एंगल थीटा, वो भी किसमें परपेंडिकुलर के बेस पे, किसके बेस पे परपेंडिकुलर के बेस पे। तो इन्हीं दो इक्वेशनों को जब हम प्रोडक्ट के साथ लेते हैं ई कॉस थीटा, इसमें ऐसे कर लें ई कॉस थीटा इसका लिख लेंगे हम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा टॉर्क क्यूब होता है। आप सिंपल सा बैक क्लास में पढ़ लो ओली टॉर्क क्यूब को किसी एक एक्सिस से उसके चारों तरफ क्या होता है और रोटेशन होता है ना, तो सर्कुलर करें तो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगा लेकिन थोड़ा सा उससे हटकर चलेगा, उससे हटके चलेगा, ठीक है, जिसको आप टॉर्क क्यूब बोल देते हो। तो डेट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट करो आप तो टाऊ इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, पी क्रॉस ई। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या जगह है जीरो डिग्री, ठीक है जीरो डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा। और इसी में या कंपोनेंट में आप साइन लेते हैं साइन थीटा तो साइन 90 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना होता है साइन पे साइन कौन हो जाता है साइन कौन डायरेक्ट। तो एक्चुअली आपको बस यही समझना है कि टाउ जो होगा यदि यहाँ से हम इसके रोटेशन की ओर घूमते रहते हैं तो ऐसे में जो टाउ होगा पी क्रॉस ई हो, ठीक है, इसमें टाउ इज द पी ई एक साइन थीटा भी यूज कर लेंगे परपेंडिकुलर हुआ तो, नहीं परपेंडिकुलर हुआ ठीक है तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो अभी तो मैं क्वेश्चन पूछी बोली हुई यहाँ से डॉट क्रॉस पे, यहाँ पे यदि पी क्यों इस तरह से देता है टू यूनिट वेक्टर आई, फोर यूनिट वेक्टर जे, थ्री यूनिट वेक्टर के एंड हियर यहाँ पर यूनिट आई, फोर यूनिट वेक्टर जे एंड दिस इज द थ्री यूनिट वेक्टर के। तो क्रॉस वाले क्या करते थे हम लोग, एक क्रॉस के बेस पे यही ना पी की वैल्यू इतना हो जाएगा और क्यू की वैल्यू इतना हो जाएगा, कैसे आप लिखोगे क्या बताया जाता था यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर इसके ईच आप एलिमेंट को लिख लेते हैं। आप फर्स्ट ईयर में इसका खूब डिटेल भी पढ़ चुके हैं, फोर थ्री एंड थ्री टू फोर थ्री राइट, इसको आप पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते तो ये एलिमेंट लिख सकते हैं, ये और पढ़ते हैं, पढ़ते तो ये एलिमेंट लिख सकते हैं, इधर करते हैं तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या टॉर्क क्यूब जो किससे बिलोंग कर जाएगा, कौन से क्वान्टिटी से, वेक्टर क्वान्टिटी से बिलोंग कर जाएगा, राइट भाई, क्रॉस है तो वेक्टर क्वांटिटी से बिलोंग कर जाएगा, क्लियर, ठीक है। आइए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसमें चला जाएगा आपका जो है पी साइन थीटा। अब इसके तीन कंपोनेंट हैं, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो जीरो डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं इससे रिलेटेड आपके नीट में सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, दो क्वेश्चन इसमें कराता हूँ। Now this, see your question. What is saying your question? Question is the saying that an electric dipole consists of two opposite charge of 2×10⁻⁶ coulomb each separately by the 3 cm in the place in an electric field of 2×10⁵ newton per coulomb torque is the dipole is. मतलब यहाँ पर torque की बातें पूछ रहा है, torque कितना होगा। You know simply अभी back में आपको बताया गया क्या, टाउ इक्वल टू पी ई साइन राइट। तो यहाँ पे देखिए पी इस डायरेक्ट नहीं दिया बट पी की वैल्यू क्या होता है, पी की वैल्यू होता है ना टू क्यू एल, टू क्यू एल और यहाँ पे ई है और यहाँ पे जाएगा होता साइन थीटा। तो यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना जाएगा, ये वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टू क्यों नहीं लिखेंगे आप, द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अपोजिट चार्ज, यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है इसके बीच की टोटल लेंथ आपका टू एल, टू एल इक्वल टू क्या कैपिटल एल, कैपिटल एल यहाँ कर दिया, ठीक है। तो कैपिटल एल जिस तरह हम लिखते थे पी इक्वल टू टू क्यू एल, ठीक है। तो टू क्यू को यहाँ पे टू क्यू एल या इसको इस तरह से टू एल इंटू टू इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस टू एल को कैपिटल एल ऐसे लिख दिया गया है, हाँ एल क्यू एल बात नहीं हुआ,
तो अब यहाँ पे लिखना चाहें तो ये देखिए टू एल को एक कैपिटल एल लिखना है तो एल यू ई ये हो जाएगा ना साइन थीटा 90 डिग्री। अब बताइए चार्ज कितना है एंड लेंथ कितना है, लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को 3 × 10 को दी पार माइनस टू क्यों लिखा कन्वर्ट कर दिया मीटर में क्यू व्हाट इज द क्यू क्यू यही है ना ए क्यू हो गया ये कैपिटल एल हो गया तो यहाँ पर यू टू का सेंस होता है कितना 2 × 10 को दी पार आपका माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए इतना 2 × 10 को दी पार आपका फाइव देखिए 2 × 3 = 6 और 6 × 12 तो सबका सेम है बस डिग्री में कन्फर्म करना है। तो देखिए 10 × 6 यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 आई प्लस 5 12 × 10 कितना हो जाएगा -3 ठीक है। और न्यूटन यूनिट का जगह भाई यहाँ पे देखिए पी है और ई है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे आप क्या दिया उसने न्यूटन मीटर ये क्या क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है आज का क्या होता है पी का निकालते हैं तो पी का निकालते हैं तेज निकाल लेते हैं एम्पियर और मीटर यानी इतना हो गया तो कौन सा ऑप्शन यूज ठीक है। सो थैंक यू ये आपका इंडुवा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कल हम लोग डिस्कस करेंगे एज वेल टॉपिक 4 में अपना मॉक टेस्ट पेपर का बॉल्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से डेली जो है 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करें एकदम